फिरोजाबाद में कोरी समाज की एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जो जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर संखवार जी के नेतृत्व में और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी श्री लाला राम ग्वालियर वालों जी ने। और हमें समाज के बुजुर्गों द्वारा, समाज के पितातुल्य बुजुर्गों द्वारा और युवा साथियों द्वारा जो समाज की सेवा करने के लिए वीरांगना झलकारी बाई जयंती और शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूँ। जो भी सरकार की गाइडलाइन मिलेंगी, क्योंकि अनलॉक चल रहा है और फिरोजाबाद भी कोरोना मुक्त आप लोगों के माध्यम से बताया गया हो चुका है, तो जैसे भी सरकार की गाइडलाइन आएंगी उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं जो भी मास्क वगैरह अपनी शोभा यात्रा मास्क का वितरण भी करेंगे और उसी हिसाब से सरकार की जो भी गाइडलाइन होंगी उस हिसाब से चलेंगे। मनोज संघवाल जिंदाबाद, मनोज संघवाल जिंदाबाद। शोभा यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी? हमारे समाज जिंदाबाद। वीरांगना झलकारी बाई जयंती शोभा यात्रा हमेशा मोहल्ला झलकारी नगर से निकलती हुई आई है और क्लब चौराहा होते हुए, सेंटर चौराहा होते हुए वीरांगना झलकारी बाई जो प्रतिमा स्थल है वाटर वर्क्स के सामने, वहां पर समापन होगा, उसके बाद ही जो कार्यक्रम रखा जाएगा। आज कार्यक्रम में किस जगह बैठक की गई है? जे महात्मा बुद्ध जूनियर हाई स्कूल कबीर नगर में बैठक की गई है और हमारे पूरी समाज की हर वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति जो हर वर्ष मनाई जाती है 22 नवम्बर को, उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई और आज हमारे यहाँ ये चुनाव हुआ है, शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और हम सभी पूरी समाज के लोग एक साथ सब मिलजुल करके इसका वजन भी उठाएंगे और इसके अध्यक्ष मनोज संघवार चुने गए हैं पार्षद जी, और सभी लोग इनका साथ देंगे समाज के लोग। और हर वर्ष की बात बिना जगावी शोभा यात्रा समिति की वो जयंती निकालेंगे। कोरोना काल चल रहा है इस समय, किस तरीके से शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा? इसे ही दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो सके इसके लिए, और बड़े उसके रूप से निकाली जाएगी, ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो नहीं किया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक आज महात्मा बुद्ध जूनियर हाई स्कूल में जो वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा निकलती है उसका वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा का अध्यक्ष का चुनाव होने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सभी के नाम आए गए लेकिन कोई तैयार नहीं है। मनोज संघवार का नाम आया, उसे पूरे जोर जोश के साथ अध्यक्ष चुना गया है और हम सभी अब प्रशासन को जो आगे आएगा वो देखा जाएगा, जब परमिशन मिलती है तो निकलेगी, नहीं तो फिर माल्यार्पण जो होता है कार्यक्रम होगा। ये झलकारी नगर से और ये बस स्टैंड पे जो झलकारी बाई प्रतिमा है वहाँ तक निकाली जाती है। झलकारी नगर से प्रारंभ होकर के यहाँ मूर्ति लगी है स्टैचू, वहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद जो पालीवाल हॉल है उसमें वो मीटिंग प्रोग्राम होता है।